महाराष्ट्र में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सब परिवार राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी ओर से 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। मीडिया से बातचीत कर उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के लिए भी अयोध्या में महाराष्ट्र सरकार भवन बनवाएगी। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं यहाँ राम लल्ला का आशीर्वाद लेने आया हूँ। पिछले 1.5 सालों में मेरा यह तीसरा दौरा है। मैं यहाँ पूजा अर्चना भी करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से अलग हुआ हूँ, हिंदुत्व से नहीं। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व अलग है और बीजेपी अलग है। उद्धव ठाकरे वहां रामलला मंदिर और हनुमान गढ़ी के दर्शन करेंगे। पिछले साल 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले ठाकरे पत्नी और पुत्र के अलावा शिवसेना के अन्य नेताओं के साथ विशेष विमान से मंदिरों के शहर आए। राम मंदिर विवाद का फैसला पिछले 9 नवंबर को आने के बाद ठाकरे ने अयोध्या दौरे का ऐलान किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के साथ तल्ख रिश्तों और बाद में राकांपा और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के चलते दौरे में विलंब हुआ। ठाकरे इससे पहले 16 जून को अपनी पार्टी के 18 सांसदों के साथ अयोध्या आए थे। सूत्रों ने बताया कि शिव सैनिकों को लेकर 18 कोचों वाली विशेष ट्रेन के शाम तक अयोध्या पहुंचने की संभावना है। दर्शन के बाद यह ट्रेन शिव सैनिकों को लेकर 9 मार्च को वापस हो जाएगी। खबर है, पुलवामा हमले को लेकर बड़ा खुलासा। बम बनाने के लिए अमेजन से मंगवाया था केमिकल। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा हमला मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने शुक्रवार को 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक ने IED बनाने के लिए रसायनों की ऑनलाइन खरीद की थी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में पिछले साल इस आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को एक आत्मघाती बम हमलावर ने विस्फोटकों से भरी एक कार CRPF के काफिले में घुसाकर विस्फोट करा दिया था। NIA ने श्रीनगर के बाग ए महताब इलाके में के वजीर उल इस्लाम और पुलवामा के हकरीपुरा गांव के मोहम्मद अब्बास राठेर को गिरफ्तार किया। इसके साथ इस मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या अब 5 हो गई है। इससे पहले एक पिता पुत्री एवं आत्मघाती बम हमलावर के करीबी को 2 अन्य अभियानों में गिरफ्तार किया गया था। एक अधिकारी ने कहा, प्रारंभिक पूछताछ में इस्लाम ने खुलासा किया कि जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकवादियों के निर्देश पर उसने IED बनाने के लिए रसायन बैटरियां एवं अन्य सामग्री खरीदने के लिए अपने अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग अकाउंट का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि पुलवामा हमले की साजिश के तहत इस्लाम ने ये चीजें ऑनलाइन मंगाकर इन्हें स्वयं जैश आतंकवादियों तक पहुंचाया। अधिकारी ने कहा, राठेर भी जैश के लिए काम करता है। उसने खुलासा किया है कि जब जैश आतंकवादी एवं IED विशेषज्ञ मोहम्मद उमर अप्रैल मई 2018 में कश्मीर पहुंचा, तब उसने ही उसे अपने घर में ठहराया था। उन्होंने बताया कि राठेर ने पुलवामा हमले से पहले कई बार जैश के आतंकवादियों आत्मघाती बम हमलावर आदिल अहमद डार, समीर अहमद डार और पाकिस्तानी कामरान को भी अपने घर में ठहराया था। खबर है, विदेश मंत्री जयशंकर की CAA विरोधियों को दो टोक एक देश बताएं जहां सबका स्वागत होता हो। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर भारत की आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कहे कि उसके यहाँ हर किसी का स्वागत है। जयशंकर ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर आलोचना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC की निंदा की। उन्होंने कहा कि निर्देशक पूर्व में भी गलत रहे हैं और कश्मीर मुद्दे से निपटने के संयुक्त राष्ट्र निकाय के पूर्व के रिकॉर्ड को भी देखा जाना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में CAA के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमने इस कानून के जरिए बेवतन लोगों की संख्या घटाने की कोशिश की है, इसकी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमने इसे इस तरीके से किया है कि हम इसे खुद के लिए बड़ी समस्या न बना दें। मंत्री ने कहा, हर कोई जब नागरिकता को देखता है तो इसका एक संदर्भ और मानक होते हैं। मुझे एक भी ऐसा देश दिखाएं जो कहता हो कि विश्व के हर व्यक्ति को उसके यहाँ स्वागत है, कोई ऐसा नहीं कहता। विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP से बाहर होना भारत के कारोबार के हित में है। कश्मीर मुद्दे पर UNHRC निदेशक भारत के साथ सहमत न होने पर जयशंकर ने कहा, UNHRC निदेशक पूर्व में भी गलत रहे हैं।
उन्होंने कहा यूएनएचआरसी सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे से पल्ला झाड़ रहा है, जैसे कि उसका पड़ोसी देश से कोई लेना देना नहीं है। कृपया समझने की कोशिश करें कि उनका कहां से संबंध है। यूएनएचआरसी के कश्मीर मुद्दे से निपटने के पूर्व रिकॉर्ड पर भी गौर करें। खबर है मनकोट सेक्टर में पाक ने किया सीज फायर उल्लंघन, सेना दे रही मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों पाकिस्तानी सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाक सेना ने पीछे पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन कर भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। वहीं भारतीय सेना भी पाक की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। गोलीबारी में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाक बौखलाया हुआ है और सीज फायर उल्लंघनों की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने में लगा हुआ है। रक्षा प्रवक्ता ने यहां बताया कि दोपहर बाद लगभग 1:30 में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार से गोले भी दागे। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना भी माकूल जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले 3 मार्च को भी पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अकारण गोलीबारी करके युद्ध विराम का उल्लंघन किया था। वहीं इससे पहले भारतीय सेना ने सीज फायर उल्लंघन पर पाक को माकूल जवाब दिया था, जिसका एक वीडियो समाचार एजेंसी ANI ने ट्विटर पर शेयर किया था। एजेंसी ANI की माने तो सीज फायर उल्लंघन पर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान चौकियों को निशाना बनाने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और तोपखाने के गोले का इस्तेमाल किया था। इस हमले में पाक चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा था। इस कार्रवाई में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बता दें कि यह जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र में धकेलने के लिए पाकिस्तान द्वारा लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन के जवाब में था। श्रीनगर में आतंकवादियों ने MR गंज में सुरक्षा बल के गश्ती दल पर ग्रेनेड। खबर यस बैंक के ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर। SBI के चेयरमैन ने बताया अपना प्लान। दोस्तों यस बैंक के संकट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि वह कानूनी प्रावधानों के मुताबिक SBI यस बैंक के 49% शेयर खरीद सकती है। शनिवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में SBI चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि SBI यस बैंक में 2450 करोड़ रुपए निवेश कर सकती है। SBI चेयरमैन ने कहा कि हमारी लीगल टीम निवेश की योजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि SBI यस बैंक में 49% हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही है। हालांकि उन्होंने इस पर निवेश पर अंतिम फैसला SBI का बोर्ड करेगा। रजनीश कुमार ने कहा कि यस बैंक के खाता धारकों पर कोई खतरा नहीं है। रजनीश कुमार ने कहा कि कुछ दिनों की बात है, खाता धारकों का संकट दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा जो लोग SBI में निवेश करना चाहते हैं कि उसके लिए यह एक मौका है। रजनीश कुमार ने कहा कि उनकी कोशिश है कि निवेश योजना को रिजर्व बैंक की समय सीमा से पहले ही पास करा लिया जाएगा। खबर है भारतीय दिग्गज खिलाड़ी वसीम जाफर ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने शनिवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की, जिससे 2 दशक तक चले उनके शानदार करियर का भी अंत हो गया। भारत की तरफ से 42 वर्षीय जाफर ने 31 टेस्ट मैचों में 34.11 की औसत से 1944 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 11 अर्धशतक शामिल है। उनका उच्चतम स्कोर 212 रन रहा है। जाफर ने बयान में कहा, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने मुझे इस शानदार खेल को खेलने के लिए प्रतिभा बख्शी। मैं अपने परिजनों, मेरे माता पिता और भाइयों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस खेल को लेकर पेशे के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं अपनी पत्नी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिसने मेरा प्यारा घर बसाने और मेरे बच्चों के लिए इंग्लैंड की आरामदायक जिंदगी छोड़ दी। उन्होंने कहा, मेरे सभी प्रशिक्षकों का विशेष आभार, चयनकर्ताओं को तहे दिल से आभार जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। यह सलामी बल्लेबाज उन कुछ भारतीय बल्लेबाजों में शामिल हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज में दोहरा शतक लगाया है। उन्होंने कैरिबियन टीम के खिलाफ सेंट लुसिया में 212 रन बनाए थे।